Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll discuss about the endoplasmic reticulum, or its short form hum bolte hain EGR. Function of the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum ke kya kya functions hote hain, theek hai? Responsible for the synthesis of the essential lipid. Essential lipid abhi humne padha tha kya tha, phospholipid. Uske liye synthesis karne ke liye responsible hota hai, theek hai? And cholesterol. Cholesterol ko bhi synthesis karta hai kaun aapka? स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन. आपकी बॉडी में जो स्टीरॉइड प्रेजेंट होता है उसका भी प्रोडक्शन और सिक्रीशन किसके हाथ में होता है? आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हाथ में होता है, ठीक है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका मेटाबॉलिज्म मतलब उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? उसको भी फंक्शन करता है स्मूथ ईआर, ठीक है. रिलीज कैल्शियम आयंस विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. और जो कैल्शियम आयन है उनको क्या करना, उनको रिलीज करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी एज वेल एज फॉर योर मस्कुलर सिस्टम ऑल्सो, ठीक है. और इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ईआर आपका किस किस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे सिक्रीट कर रहा है और उसकी कौन सी बॉडीज हेल्प कर रही हैं किस तरीके का फॉस्फोलिपिड को सिक्रीट करने में. अब ये सेकंड पिक्चर आपको शो कर रही है कि आपके कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, क्या क्या प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से पूरी बॉडी अब्जॉर्ब करती है और कैसे वर्क करता है ये. नाउ ये थर्ड इमेज है कि कैल्शियम आयंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के ग्लैंड्स के लिए, आपकी बॉडी के मसल्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे कैल्शियम आयंस वगैरह न्यूरॉन्स के लिए भी एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम के लिए. पहले वाले इमेज में हमने मस्कुलर सिस्टम देखा, ग्लैंड्स देखे, और इसमें हम क्या देख रहे हैं हमारे न्यूरॉन्स में कैसे इंपोर्ट होता है कैल्शियम और कैसे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएट होता है, मतलब जो भी प्रोटीन आपकी बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है उसको कौन फंक्शन करेगा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करेगा, ठीक है. रफ ईआर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग. प्रोटीन को सिंथेसिस तो करता ही करता है, साथ में प्रोटीन को फोल्ड भी करता है, प्रोटीन को फोल्ड करता जाता है, ठीक है. ऑल्सो एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल किस चीज का? क्वालिटी कंट्रोल प्रोटीन फोल्डिंग का, मतलब जो प्रोटीन फोल्ड हो रहा है वो गुड क्वालिटी का प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, इसको भी एंश्योर कौन करेगा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ओके. नाउ दिस इमेज इज शोइंग कि किस तरीके से ईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसिस होता है इस इमेज में आपको वो क्लियरली दिखाई दे रहा है. नाउ इस इमेज में आपको ये क्लियरली शो हो रहा है किस तरीके से प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, किस तरीके से प्रोटीन की क्वालिटी चेक हो रही है यहाँ पे कि अच्छा से अच्छा प्रोटीन ही बॉडी में एंटर करे और फोल्ड हो सके. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, Bio with Chipmunk.